हमने कैसा एसक्यूएल मैंने बताया था दूसरी बार yes. इसके अंदर में बेसिकली तीन चीज होता है कि हिंदी हिंदी कम्युनिकेशन इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नॉलेज। दस मिनट क्या नहीं आता घर का, आपको ज्यादा नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ये जो बिजनेस है समझने की कोशिश करना, ये बिजनेस है, कस्टमर रिलेटेड बिजनेस है, मार्केट रिलेटेड बिजनेस है। आपको कस्टमर के पास मार्केट के अंदर में जाना ही जाना होगा। यस और नो? यस। आए ना? यस। तो जाओगे और आपके कम्युनिकेशन में दम नहीं है तो कितना भी इन्विटेशन कर लो, फॉलो अप कर लो, रिजल्ट नहीं आएगा जिस लेवल पे आप चाहोगे। जिस तरह से आप चाहोगे रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपके पास वो कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे हिंदी की बात करो, इंग्लिश की बात करो, कंप्यूटर की बात करो। अगर ये तीनों को तुमको यूज करने आ गया तो तुम चाहे जिसके पास चले जाओ, जब इन तीनों को इस्तेमाल करते हुए जब तुम्हारा ये काउंसलिंग होगा, फॉलो अप होगा, तो ये इफेक्टिव होगा। टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो, इंग्लिश को यूज कर रहे हो, हिंदी को यूज कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो कंपनी के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में, ऐसा हो गया नहीं होगा। जब स्मार्टफोन को यूज करते हुए, वेबसाइट को यूज करते हुए, इंटरनेट को यूज करते हुए, कंपनी के फेसबुक पेज को यूज करते हुए, जब कंपनी और इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी को बताएंगे, उसको समझ में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। आएगा या नहीं आएगा? आएगा। कितने लोग हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं? मैं बोलता हूँ कि रोज ज्यादा नहीं 10 मिनट, क्योंकि बुंद बुंद समय हमेशा बोलता हूँ, तालाब नहीं खड़ा नहीं, खड़ा भी भरता है, तालाब भी भरता है, लेकिन समुद्र का निर्माण भी होता है, सागर का निर्माण भी होता है, और पूरी दुनिया की प्यास बुझाई जा सकती है। बसरते बुंद दिन दोपहर रात गर्मी सर्दी बरसात 2400 घंटा और लगातार भरना चाहिए। ये कम्युनिकेशन स्किल अगर तुम रोज 10 मिनट देना स्टार्ट कर दिए, 5 साल के अंदर हम इस देश में और इस कंपनी में नंबर 1 स्पीकर बना सकते हो अपने आप। इतना पावरफुल चीज है। क्यों करना है इसको? हेलो, करना है? yes. क्यों करना है? बिजनेस को ग्रोथ करने। क्यों करना है? अगर 50 करोड़ कमाना है 10 साल के अंदर में, तभी करना है। अगर 50 करोड़ चाहिए तो इसके बिना संभव नहीं है, करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा? कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, स्मार्ट वैल्यू नाम सुना है? yes.